अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। और आप सोच रहे होंगे कि आज मैं कहां मौजूद हूं। मैं आपको बताती हूं कि मैं कहां मौजूद हूं। जहां जहां मुश्किल में आपको रेस्क्यू 1122 नज़र आता है, आज मैं उसके हेड क्वार्टर में मौजूद हूँ। और यहाँ आने का मकसद ये है कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कितना डिसिप्लिन है और किस तरह ये सारी चीज़ें ले कर चल रहे हैं और इन चीज़ों को बेहतर तरीके से डिलीवर करने के लिए कितनी एफ़र्ट्स की जा रही हैं। वो आज तमाम तर चीज़ें आपको डिटेल में दिखाई जाएंगी, तो पूरा शो जो है वो आपने भरपूर तरीके से देखना है। अच्छा जी नाज़रीन, इस टाइम मैं जो है आपको पता है कि रेस्क्यू 1122 में मैं मौजूद हूँ और साथ साथ आपको तमाम तर चीज़ें दिखा रही हूँ। अब इस टाइम मैं कहाँ जाने वाली हूँ वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल की तरफ जाती हूँ और जो बाकी डिटेल है वो आपको बताती हूँ। और मेरे साथ आयशा जो है मौजूद है। आयशा, वैसे आप बोल बहुत अच्छा रही हैं, उसके साथ माशाल्लाह आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत खूबसूरत है। ये क्या वर्दी पहनने के बाद एक निखार आ जाता है? जी देखें, ये वर्दी तो एक ग्रेस देती है शख्सियत को, लेकिन ये है कि इस वर्दी के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी जुड़ जाती हैं। और अभी हम आपको अपने सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल की तरफ लेके जाएंगे, जो कि रेस्क्यू 1122 का ब्रेन भी कहलाता है। तो आप चलें उधर, मैं आपको अपने रिस्पॉन्डर रेस्क्यू 1122 का ब्रेन ज़रूर देखना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा रब नवाज़, मैं बाहर थी, बाहर मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और आज मुझे लगा कि वैसे तो रेस्क्यू 1122 बहुत अच्छा काम कर रहा है, पर आज जिस तरह से स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं डिटेल में सारी चीज़ें, यहाँ अंदर आके मुझे पता चला कि किस तरह से सारा सिस्टम है। हमारे देखने वालों को आप बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये रेस्क्यू 1122 का सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल है। एंटायर प्रोविंस की इमरजेंसी कॉल्स हम यहीं पर रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर मैं आपको कॉल वॉल्यूम का बताऊँ तो तकरीबन 15,000 कॉल्स हम रिसीव करते हैं, जिसमें कराची डिवीजन और सिंध के दीगर ज़िला की भी कॉल्स होती हैं। हमने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है प्रायोरिटी डिस्पैचिंग का। जैसे ही हमारे पास कॉल रिसीव होती है तो हम वो सीवियरिटी लेवल मेजर करते हैं कि इमरजेंसी कॉल की नोयत क्या है, कितनी इमरजेंसी की सीवियरिटी है। तो उस हिसाब से जो नियर बाय आप ट्रैकर पे देख सकते हैं कि हमारी की स्टेशन पे इमरजेंसी रेस्क्यू व्हीकल्स असाइंड खड़ी हुई होती हैं, तो जो लैंडमार्क होता है उसको नियरेस्ट जो व्हीकल हमारी होती है वो हम वहीं से डिस्पैच करवाते हैं। उसके अलावा ये सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सिंध गवर्नमेंट का एक ऐसा इनिशिएटिव है, इसमें सारे स्टेक होल्डर्स को हमने अंडर वन अम्ब्रेला लिया है। हम तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ इंटीग्रेटेड हैं, चाहे वो KMC हो, SSGC हो, K-Electric हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, तमाम इदारों को यहीं से हम मेजर इंसिडेंट्स में कमांड करते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कही जाती है कि पाकिस्तान में कोई भी ऑनलाइन सर्विस हो या कुछ भी हो, वहाँ फेक चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो 15,000 कॉल्स में कभी कोई इस तरह से हुआ कि फेक कॉल आई हो, इस तरह का एक्सपीरियंस कभी किया है? जी बिल्कुल, जैसे कि 1122 एक टोल फ्री नंबर है, मतलब अगर कॉलर डायल करता है तो उसको पे नहीं करना पड़ता, इसी वजह से हमें फेक और प्रिंक कॉल्स को फेस करना पड़ता है। लेकिन ये कि हम इसका मैकेनिज्म ऐसे रखते हैं कि अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी एक ही नंबर की ज़्यादा हो रही है प्रिंक कॉल्स की, तो हम उसको सर्टेन टाइम पीरियड के लिए ब्लॉक करते हैं। परमानेंट ब्लॉक से वजह से नहीं कर सकते क्योंकि उस नंबर को भी जेने एक इमरजेंसी हो सकती है, इसी वजह से एक टाइम फ्रेम हमने बनाया हुआ है, टेम्परेरी उस नंबर को हम ब्लॉक करते हैं जिसमें हमें रिपीटेडली फेक कॉल्स आती हैं। इस टाइम एक वक्त में कितने लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं यहाँ पे, और ये 24 आवर्स है, किस तरह से शिफ्ट्स होती हैं ये थोड़ा सा बताएंगे? ये 8 घंटे की शिफ्ट होती है, 24/7 ऑपरेशनल होता है। हमारे पास 15 कॉल टेकर्स मौजूद होते हैं और 4 वायरलेस ऑपरेटर्स या आप डिस्पैचर्स के हैं। जो 1122 पर डायल कर रहा है वो कॉल लैंड होती है कॉल ऑपरेटर के पास, वो सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो फॉर्म डिस्पैच कर देता है वायरलेस ऑपरेटर्स ये बैठे हुए। ये तमाम इमरजेंसी रेस्क्यू व्हीकल्स में हमारा VHF वायरलेस फ्रीक्वेंसी का सेटअप बना हुआ है, उसके साथ करेस्पॉन्डेंस जो है ना इनके थ्रू ही होती है हमारे पास। अच्छा, इस प्रोसेस में कितना तकरीबन टाइम लगता है अगर कोई इमरजेंसी होती है, ये सारे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमारी जो अप्रोच है वो प्रायोरिटी डिस्पैचिंग है। अगर कोई मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी होती है ना तो 90 सेकंड्स में हम अपनी व्हीकल मूव करवा देते हैं। वैसे लोगों को अमूमन शिकायत रहती है कि हम सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं क्योंकि हमारा वो प्रोटोकॉल एक बना हुआ है, लेकिन अगर कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी होती है वो कॉल ऑपरेटर उसके साथ इंगेज होता है, पैरेलल में हमारी एम्बुलेंस मूव हो जाती है। अच्छा, वैसे कितने सवाल होते हैं, वो सवाल अगर आप बताना चाहें कि वो किस तरह के बेसिक सवाल होते हैं जो आप पूछते हैं? 6 एसेंट्री क्वेश्चन होते हैं जिसमें नाम, एड्रेस, पता, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर हम प्रोटोकॉल पे आ जाते हैं कि वो कौन सा कोड असाइन होता है,
तो इस हिसाब से मतलब हमारा सीवीटी लेवल हम आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, अब आप देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो फेक कॉल्स करके प्रॉब्लम क्रिएट उस टाइम तो कर देते हैं, मसरूफ कर देते हैं आपको, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि ये एक इमरजेंसी नंबर है, अगर आप इस नंबर को बिलावजह मसरूफ़ रखेंगे तो हो सकता है किसी की इमरजेंसी कॉल सफ़र कर सकती है आपकी वजह से, तो लिहाजा कभी भी 1122 इमरजेंसी के बगैर डायल नहीं करें, किसी भी किस्म की आपको इमरजेंसी आप 1122 डायल कर सकते हैं। अच्छा रब नवाज, इस टाइम कॉल्स आ रही हैं, इमरजेंसी कॉल्स आ रही हैं, थोड़ा हम जाते हैं आपके ऑपरेटर्स के पास, हम बात करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से वो रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, आ जाए मैं आप। चले आइए, चलते हैं आगे और आपको भी हम दिखाते हैं। जी, ये हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शहला बेग। अच्छा शहला, मुझे बताएं जब कोई कॉल आती है तो फिर किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या सिचुएशन होती है, और एक खातून होने के नाते, वैसे तो कहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि औरत कमज़ोर होती है, पर मैं ये समझती हूँ कि औरत बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, कोई इस तरह की सिचुएशन होती है उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, थोड़ा सा बताइएगा। बिल्कुल, यहाँ पर जितने भी कॉलर्स आते हैं अक्सर ऐसे ही होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पैनिक आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली किसी की भी अगर घर में कोई कंडीशन इस तरह की होती है, कोई बीमार वगैरह होता है, तो पैनिक होते हैं वो। सबसे पहले तो हम उन्हें काउंसिल करते हैं अपने काउंसलिंग स्किल्स यूज़ करते हुए। सेकेंडली हम उनके जो है जो हमारी इनिशियली बेसिक इन्फॉर्मेशन होती हैं वो कलेक्ट करते हैं हम, ताकि हम जो ऑन कॉल उनकी मदद कर सकें। हम अपनी इन्फॉर्मेशन जैसे कि लाइक एड्रेस और जो उनकी कंडीशन होती है बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो हासिल करने के बाद हम अपने ETCs को फॉरवर्ड कर देते हैं, दैन वो एम्बुलेंस जो हमारे डिस्पैच करवा रहे होते हैं, और हम ऑन कॉल हेल्प करते हैं। लाइक अगर पेशेंट अनकॉन्शियस और नॉन ब्रीथिंग के साथ है तो उनको जो है हम CPR परफॉर्म करते हैं, और जब तक हमारी एम्बुलेंस ऑन लोकेशन नहीं होती है तब तक हम ऑन कॉल रहते हैं ताकि हम उनकी हेल्प कर सकें। अच्छा, ज़्यादातर आप जो कॉल्स रिसीव करती हैं, आपके पास कॉल्स आती है, अभी तक क्या एक्सपीरियंस किया उस कॉल्स में, ज़्यादा मर्द हज़रात कॉल्स करते हैं या ख़वातीन? दोनों ही करते हैं, सोती हैं। बिल्कुल, बच्चे भी होते हैं बाज़ अवकात, हमारे पास ऐसे भी कॉल्स आती हैं इसमें हमारे पास बच्चे भी होते हैं और जो कि इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे होते हैं, और जब ऑन लोकेशन होती है तो वाकई उनकी जो है कंडीशन, मदर लाइक या फादर जो भी होते हैं उनकी कंडीशन इस तरह की होती है कि उन्हें एमरजेंसी की नीड होती है। अच्छा रब नवाज, मुझे बताइएगा इस तरह की कोई कॉल आती है कि ये सिचुएशन है, ये सूरत हाल है, उसको पहले कन्फर्म किया जाता है या आप मूव करवा देते हैं? देखें, इमरजेंसी की सीवियरिटी के हिसाब से होता है, हमारे पास ये है कि कुछ कॉल्स ऐसी भी होती हैं जो फॉलोअप के लिए होती हैं, या बिल्कुल लेस सीवियरिटी होती है, उसमें कोई ऐसी नहीं होती कि हम इंटरवेंशन करें लाइफ सेविंग की, तो वो हम जो है करेस्पॉन्डेंस करते हैं, जो हमारे KMC के साथ कन्फर्म कर लेते हैं कि आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है, 15 से हम कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें यही होता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है कि विक्टिम ट्रैप्ड हैं और किसी की जान को खतरा है, तो हम फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं उस पर। ठीक है जी, अभी हम यहाँ पर मौजूद थे रेस्क्यू 1122 के ब्रेन में, आयशा ने जैसे कहा था ये ब्रेन है, और हम यहाँ मौजूद थे, आपको हमने दिखाया। नाज़रीन, अब आगे भी चलेंगे, और भी डिटेल है, बहुत सारी चीज़ें रेस्क्यू 112 जो है किस तरह से आपको फैसिलिटेट कर रही है, वो सारी चीज़ें हम आज आपको अपने कराची की आवाज़ में दिखाएंगे। फिलहाल हुआ एक ब्रेक का टाइम, लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा साइमा मेरे साथ मौजूद हैं, साइमा थोड़ा सा हमें बताएंगे इस स्टॉल के बारे में, ये क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, ट्रेनिंग सबसे पहले तो ये बताएं कि ट्रेनिंग कितने महीने की होती है आप लोगों की? 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है जो हम पंजाब रेस्क्यू अकेडमी से लेकर आते हैं। अच्छा ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा बताइएगा इस इक्विपमेंट के बारे में, किस तरह से आप फैसिलिटेट करते हैं हमारी आवाम को, अगर इस टाइम कोई हमें देख रहा है, थोड़ा सा रेस्क्यू 112 का जो है आज हम डिटेल से बताने का मकसद ये है कि हमारे देखने वालों को हर एक चीज़ का प्रॉपर पता चले, इसलिए मैं इनसे हर एक चीज़ का पूछ रही हूँ। DRV है जो डिज़ास्टर रेस्क्यू व्हीकल है, और ये हर वक्त तो रेडी रहती है अपने क्रू के साथ, और ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये सारी इसमें अवेलेबल होती हैं, चाहे अर्थक्वेक हो, बिल्डिंग कोलैप्स हो, RTA हो, और कोई हाइट की इमरजेंसी हो, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर यूज़ आती हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि वो लाइव लोकेटर है, कोई भी बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो कोई भी चीज़ लाइव होगी तो ये उसको लोकेट कर सकता है, ये लाइव लोकेटर है, और ये थर्मल इमेजिंग कैमरा है, उससे हम सीन करते हैं कि कौन से विक्टिम कहाँ पर हैं और कितने लाइव हैं।
और उसके बाद ये फुल बॉडी हॉर्नेस है और सीट हॉर्नेस है और ये स्प्रेडर कटर है और इसके साथ हम कंक्रीट कट कर सकते हैं। अच्छा। और कोई भी अगर जो लाइक गाड़ियाँ बिल्कुल बंद हो जाती हैं उनको हम स्प्रेड कर सकते हैं इसके साथ। ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। ठीक है साइमा, अब हम नाज़रीन आगे की तरफ चलते हैं। आयशा जो हैं वो मेरे साथ अब जो है मौजूद होंगी और आयशा को लेके मैं आगे की तरफ चलती हूँ और आ जाएं जी आगे चलते हैं। अच्छा आयशा मुझे बताइएगा, सबसे पहले तो मौसम बहुत अच्छा, कैसा लग रहा है आज का मौसम? आज का मौसम बहुत अच्छा है। आपको पता है कि मूनसून के स्पेल की हर जगह न्यूज़ चल रही है तो बारिशों का भी इम्कान है, मौसम भी अच्छा है। लेकिन उससे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि हमारी जो मेल और फीमेल रेस्क्यूअर्स हैं वो इतने मोटिवेटेड हैं और इस वक्त हम जिस स्टॉल पर मौजूद हैं वो मेडिकल का स्टॉल है और यहाँ पर हमारे पास जो हेड ऑफ मेडिकल ट्रेनिंग है वो मैडम रिहाना यहाँ मौजूद हैं, वो इसके बारे में आपको मज़ीद बेहतर बताएँ। ठीक है जी, मैं मेडिकल की जो हेड हैं मैडम रेहाना उनकी तरफ जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा रेहाना, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा, आपकी टीम इस टाइम पे मौजूद है, किस तरह से आप जो हैं सारी चीज़ों को लेके चलते हैं, किस तरह के सिचुएशन में आप लोग मौजूद होते हैं, थोड़ा सा वो बताइएगा। अच्छा, हम यहाँ पर जो है लाइफ सेविंग ट्रेनिंग पूरे सिंध में करवा रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं और अब तक जो है हमने 207 ट्रेनिंग के अंदर 13,000 लोगों को ट्रेन कर दिया, जिसमें स्कूल, कॉलेजेस, लॉ इन्फोर्समेंट के ऑर्गेनाइजेशन के लोग शामिल हैं। अच्छा, अब देखें इसमें हम लोगों को ना इमरजेंसी फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि खुदा ना खास्ता आग लग जाए तो उनको क्या करना है, किस तरह उनको बिल्डिंग से सेफली निकलना है, खुदा ना खास्ता कार्डिक अरेस्ट हो जाए तो उस सिचुएशन में उनको गोल्डन मिनट के अंदर लाइफ सेविंग टेक्निक जिसका नाम CPR है वो किस तरह परफॉर्म करनी है। क्यों जी जी, ये डेमो दे दें, एक डेमो जी। ठीक है जी, एक डेमो आपको दिखाते हैं जी। मैं रेहाना के पास आ जाती हूँ जी। यहाँ पे हो रहा है इन्फेंट का CPR, ठीक है। इन्फेंट में CPR कैसे करना है, इन्फेंट में आप करते हैं टू थंब सर्कलिंग टेक्निक से आप CPR कर रहे होते हैं। अगला है चाइल्ड CPR हो रहा है और अडल्ट CPR है जी। चाइल्ड में आप वन हैंड या टू हैंड दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अडल्ट के अंदर आपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना होता है। इसके अंदर 3 से 4 चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना होता है कि आपकी हैंड की प्लेसमेंट जो है वो सेंटर ऑफ द चेस्ट पर होनी चाहिए, ठीक है। आपने कितना कंप्रेस करना है, जैसे अडल्ट के अंदर एटलीस्ट आपने 5 सेंटीमीटर तक डेप्थ अचीव करनी होती है, चाइल्ड में अबाउट 5 सेंटीमीटर और इन्फेंट के अंदर आप 4 सेंटीमीटर तक डेप्थ अचीव करते हैं। अडल्ट, चाइल्ड, इन्फेंट, आपने जो इनको कंप्रेशन देने हो पर मिनट आपका 100 to 120 टाइम्स पर मिनट आपने कंप्रेशन परफॉर्म करने होते हैं और जितना आप कंप्रेस करते हैं उतना आप रिकॉइलिंग का भी ख्याल करते हैं और इसी को करते हुए आपने ये काम करना होता है। तो जितनी जल्दी आप उसका CPR स्टार्ट कर देंगे उसके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। हर गुजरते मिनट के बाद 10% सर्वाइवर रेट कम हो जाता है। अगर आपने 5 से 6 मिनट तक कोई विक्टिम कार्डिक अरेस्ट में गया, अगर आपने उसका CPR नहीं किया तो उसके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो इसी आप देखें हमारी एम्बुलेंस का टाइम अगर आप देखें 10 से 12 मिनट है, तो जब तक आपकी एम्बुलेंस पहुँच रही है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर को पता होना चाहिए अगर कार्डिक अरेस्ट में जा रहा है उसको रिकोगनाइज करें और उसका CPR स्टार्ट कर दें। उसके सिर्फ हैंड्स ओनली CPR के स्टार्ट करने से उसके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जी अच्छा, अब एक आप खातून हैं, गर्ल हैं, औरत हैं, लड़की हैं और उस पे ये यूनिफॉर्म कितनी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किस तरह से पूरी कर पाती हैं? क्योंकि कहते हैं कि एक जो खातून होती है वो चाहे जॉब कर रही हो, वो किसी भी ओहदे पे हो, फिर वो घर पे वो उसी तरह सारी चीज़ें लेके चलती हैं, तो उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये फीमेल के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि फ़ीमेल को घर भी संभालना होता है, अगर वो ऑफिस में जॉब करी तो उसको ऑफ़िस की सूरत हाल को भी देखना पड़ता है। तो ये है कि दोनों चीज़ों को करना, अच्छे से करना, ज़िम्मेदारी से करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि यहाँ पे जो फीमेल है मर्दों की शाना बशाना काम कर रही हैं और वही एनर्जी है जो मेल के अंदर से है और मेडिकल का शोभा तो ऐसा ही है जिसमें फीमेल आपको पता है बहुत ज़्यादा जाती हैं और शोभा भी अच्छा है, फीमेल्स के लिए भी बहुत अच्छा शोभा। अच्छा, पीछे थोड़ा सा इस हवाले से मुझे बताइएगा, ये क्या यहाँ पर जो है इनको यहाँ पर फ्रैक्चर हो गया तो हमने जो है ना ब्लीडिंग हो रही थी तो उनको हमने ब्लीडिंग को कंट्रोल किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लीडिंग कंट्रोल की मैनेजमेंट कर रहे थे और यहाँ पर कार्डिक अरेस्ट में गया है तो यहाँ पर ये CPR परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है जी रेहाना जी, जी क्या कहना चाहेंगे? नहीं बस ठीक। ओके जी, थैंक यू। अब एम्बुलेंस विजिट करनी है तो एम्बुलेंस विजिट, ठीक है जी, एम्बुलेंस हम विज़िट करते हैं। मेरा कैमरामैन यहाँ आ जाए मेरे पास और थोड़ा सा अंदर की तरफ मैं चली जाती हूँ। अच्छा जी नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी रेस्क्यू 1122 आज मैं मौजूद हूँ और आज मैं पहली बार एम्बुलेंस में इस तरह से आके बैठी हूँ और इतने खूबसूरत ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं, एक अच्छा एहसास हो रहा है, आप यकीन करें।
मैं देख के मैं दंग रह गई हूँ और बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं। मैं रिहाना से पूछूंगी। जी रिहाना, एम्बुलेंस के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? सीन एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 में बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी शामिल है और एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी शामिल है, जिसके अंदर आप जो है कोई भी खुदा ना खासा जैसे हार्ट अटैक हो जाए, कार्डिक अरेस्ट हो जाए, कोई भी हमल के दौरान कोई भी इस तरह की जो एमरजेंसी होती है उसके अंदर ये तमाम सहूलतें मौजूद होती है कि हम एमरजेंसी को रिस्पॉन्ड कर सकें। ये कार्डिक मॉनिटर है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास AED की डिवाइस है जो हम लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास ये डिवाइस है। और इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन की सहूलत भी अवेलेबल है, और खुदा ना खास्ता कोई ट्रॉमा, कोई इस तरह का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस हो जाता है तो वो वाली सर्विस भी इस एम्बुलेंस में। अभी किसी को ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उस हवाले से ब्लीडिंग को भी हम कंट्रोल कर लेंगे। जी जी, वो वाली सूरत हाल जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, खुदा ना खास्ता फ्रैक्चर हो गया है या ब्लीडिंग का कंट्रोल करनी है, तो वो तमाम सर्विस इस एम्बुलेंस के अंदर अवेलेबल होती है। यानी कि हॉस्पिटल जाने से पहले पहले जो है ना वो हम पेशेंट को स्टेबल करके हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, और मैं सच बताऊं देखने वालों को, मैं माइक भी ले लेती हूं ताकि आपको मेरी आवाज़ आए। मैं आज देखने वालों को ये ज़रूर बताऊंगी कि ये सारी ट्रेनिंग आप लोगों को भी आनी चाहिए, घर में अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है। ऐसा ये कार्डिक अरेस्ट कहीं पे भी किसी के साथ भी हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है, इसलिए सिर्फ आपको अपने हाथ चाहिए, आपके हाथ किसी की लाइफ बचा सकते हैं। बिल्कुल जी। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। और आज मैं मौजूद हूँ रेस्क्यू 1122, और मेरे साथ मौजूद हैं आयशा। आयशा, अब आगे की तरफ जाते हैं, अब क्या आप बताएंगी हमें? अच्छा, अब जिस कंपोनेंट की तरफ हम जा रहे हैं वो बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट है, और यहाँ आप हमारी देखेंगी कि हमारी फ़ीमेल रेस्क्यूअर्स भी मौजूद हैं और फायर टर्न आउट गियर पहन के ये खड़ी हुई हैं, क्योंकि क्रिटिकल इस हिसाब से कि लड़के तो आप देखते होंगे कि फायर फाइटिंग में जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ख़वातीन भी रिस्पॉन्स करती हैं, और ये सारे इधर टूल इक्विपमेंट एंड एसेसरीज मौजूद हैं। इसकी बाकी डिटेल आपको मैडम तूबा देंगी। ठीक है जी, मैं अब मैडम तूबा की जानिब जाती हूँ, और मैडम तूबा यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तूबा, मुझे बताइएगा अब इसके हवाले से। ये जो है हमारे पास फायर का स्टॉल है, अभी जो भी रिसेंटली हमारे पास ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है फायर इमरजेंसी हुई थी, वहाँ पर जो है हमारी फीमेल रेस्क्यूअर्स जो थी उन्होंने रिस्पॉन्स किया था मेल टीम के साथ। फीमेल ने? जी फीमेल। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। अभी इन फ्यूचर जो भी इमरजेंसीज होंगी उसमें हमारी जो फीमेल रेस्क्यूअर्स होंगी वो भी आपको जो है रिस्पॉन्ड करती हुई नज़र आएंगी इन फ्यूचर इंशाल्लाह। ठीक है, और ये जो है हमारे पास फायर का स्टॉल है, ठीक है, ये एक जो है फीमेल रेस्क्यूअर हमारी है, इन्होंने पूरी टर्न आउट गेयर जो है फायर का उन्होंने पहना हुआ है, इनके पास SCBA भी है, और जो है फेस मास्क है, हेलमेट पहना हुआ है इन्होंने, एक जो है मखसूस टेम्परेचर तक जो है ये हमारे जो है आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है टेम्परेचर से बचा। इनकी खुद की सेफ्टी के लिए क्या क्या किया हुआ है? इन्होंने ये पूरा टर्न आउट गेयर पहना हुआ है, ठीक है, SCBA इन्होंने साथ लिया हुआ है, जब भी कोई फायर इमरजेंसी में रिस्पॉन्ड करता है हमारा रेस्क्यूअर तो ये SCBA साथ लेके जाता है, ये जो है इनको सांस लेने में जो है आसानी प्रोवाइड करता है। इफ्तिखार साहब भी आपको थोड़ी डिटेल मजीद बताएंगे, तो आप दूसरा सवाल इनसे भी कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं इफ्तिखार साहब के पास आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा इफ्तिखार, सबसे पहले तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि अब ख़वातीन भी जो हैं वो भी सामने आ रही हैं, ये एक बड़ी चीज़ है। आप सबसे पहले तो ये बताएँ कि इनकी खुद की सेफ्टी के लिए किस तरह के इकदाम किए गए हैं, क्योंकि हम लोग अमूमन इदारे जो हैं वो सामने वाले जो उस टाइम सफ़र कर रहे होते हैं उनको तो सेफ करते हैं, पर उनकी अपनी सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसके लिए आप किस तरह से काम कर रहे हैं? मैडम, हमारी ये जो व्हीकल आप देख रहे हैं ये एक आम व्हीकल नहीं है, स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की डिज़ाइन की गई है। इसमें आपको हमारी फायर सेफ्टी के रिलेटेड आपको हर चीज़ मिलेगी, हर इक्विपमेंट, हर टूल आपको नज़र आ रहा होगा और आप देख भी रही हो।
अगर आप, मैं अपने फायर रेस्क्यूअर के हवाले से बात करूं, ये जो आप उनको सूट देख रही हैं, ये एक आम सूट नहीं है। डिफरेंट इदारे यहाँ पर काम कर रहे थे, उनके पास इस तरह के टर्न आउट गियर्स नहीं होते थे, या हमारा SCBA नहीं होता था। आपको हमारे रेस्क्यूअर में और उनमें जो है फ़र्क जो वाजे नज़र आ रहा होगा, टर्न आउट गियर का नज़र आ रहा होगा, SCBA का नज़र आ रहा होगा, पूरी ये जो किट है हमारे रेस्क्यूअर को एक आपके सामने, मैं कहूँ कि एक पूरा फायर फाइटर आपके सामने खड़ा कर, मतलब एडवांस दौर में एडवांस चीज़ें आपके पास हैं। जी, एडवांस चीज़ें। अब ये इस गाड़ी में आपको जस्ट जो है फायर फाइटिंग, आप पानी के जो है सिस्टम नज़र नहीं आएगा। इसमें पूरे CO2 जिसमें आप केमिकल फायर हो उसके लिए, या DCP हो, या हमारा फॉर्म का हो, कोई भी केमिकल फायर हो, किचन फायर हो, ये गाड़ी हमारी इस तरह डिज़ाइन की हुई है कि किसी भी इमरजेंसी में आपको, पूरी फायर की इमरजेंसी में, कोई भी हो फायर इमरजेंसी जिसमें इलेक्ट्रिकल हो, केमिकल हो, फ्यूल की हो, कोई भी हो, उसमें आपको ये गाड़ी हमारी जस्ट दे रेडी होती है। और कोई भी इमरजेंसी होती है, जस्ट हमारे इसमें क्रू बैठता है और मूव हो जाती है, और 8 से 10 मिनट हमारा स्टैंडर्ड टाइम होता है, वहाँ पर रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये शूज़ के हवाले से बताएँ थोड़ा सा, ये भी कोई ख़ास किस्म के मुझे लग रहे हैं। ये लेटेक्स मटेरियल के बने होते हैं। अच्छा। ये जो है आपको फायर में हम जब पहन के जाते हैं, फायर जब पानी यूज़ होता है तो हीट वाला पानी होता है, वाटर होता है, उसमें ये सेव करता है हमारे रेस्क्यूअर को। ठीक है। ख़वातीन के हवाले से क्या बताएंगे, क्या वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी आगे आ रही हैं, तो उनके हवाले से क्या बताएंगे? वैसे तो ख़वातीन के लिए कुछ लोगों का, गिने चुने लोगों का ये कहना है कि बहुत सारी चीज़ों में वो बहुत पीछे हैं, पर अब वो इस तरह से आगे बढ़ रही हैं हर चीज़ में, आगे आगे हैं। उनके हवाले से क्या कहेंगे? क्या वाकई ख़वातीन इतनी हिम्मत वाली हैं कि हर चीज़ को आपकी तरह आगे लेके चल सकती हैं? रिसेंटली मैं, मैडम तूबा ने आपको जैसे एक एग्जांपल दिया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, या अभी एक और मेरे साथ इंसिडेंट था क्लिफ्टन में, जिसमें यही फीमेल रेस्क्यूअर हमारे साथ शाना बशाना काम करनी थी, और ये किसी से कम नहीं है। और रेस्क्यू वो इदारा है जो इनको एक मौका दे रहा है, और इन्होंने प्रूव भी किया है। जो हम ट्रेनिंग 6 महीने कर रहे हैं वही ट्रेनिंग यही कर रहे हैं, और ये हमारे साथ हर फायर इंसिडेंट हो या कोई भी किस्म का ऑपरेशन हो, उसमें हमारे साथ शाना बशाना काम कर रहे हैं। अच्छा, ट्रेनिंग कितनी टफ होती है? क्योंकि मैंने बाकी ट्रेनिंग तो देखी है, अगर पुलिस की ट्रेनिंग है, मुझे तो बहुत टफ लगती है, सुबह आपने उठना है और इतनी टफ ट्रेनिंग जो है। आपकी ट्रेनिंग कितनी टफ होती है, थोड़ा सा उस हवाले से अगर बताना चाहें? हमारी भी ट्रेनिंग जैसे आर्मी से कम मैं कहूँगा नहीं है। अच्छा। वही सेम रूटीन, सुबह उठना, वही रात तक सेम रूटीन करना, और साथ साथ जो है हाइट रेस्क्यू, कन्फाइंड स्पेस रेस्क्यू, वेल रेस्क्यू, ये सारे कंपोनेंट्स हमारे उस ट्रेनिंग के दौरान कवर करवाए जाते हैं। और ये सारी ट्रेनिंग जो है 6 मंथ का पीरियड होता है ड्यूरेशन, इसमें आप ये समझें कि एक पूरा रेस्क्यूअर बना के हमें जो है वहाँ से पासिंग आउट दी जाती है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आगे की तरफ चलती हूँ, और अब आयशा मुझे आगे की तरफ लेके जाएंगी। आयशा, आज का मेरा कराची की आवाज़ का जो सफ़र है वो आपके साथ है, कहीं मुझे आदत ना हो जाए हर जगह आपको साथ ले जाने की। जी जी, अभी हम तो रेस्क्यू 1122 में, आप जब भी यहाँ आएंगी तो हम, आप तो हमारे साथ ही चलेंगे और हम आपको सारे कॉम्पोनेंट्स दिखाएंगे। अच्छा, जो इस वक्त जो कॉम्पोनेंट है वो कराची के हिसाब से बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर एक तो नदी नाले और उसमें बच्चे जाते हैं और भी कहीं गिर जाते हैं, तो ड्रोनिंग के केसेस की एक बड़ी तादाद हमारे सामने आती है। तो इस वक्त स्टॉल मौजूद है, और यहाँ पे हमारे जो स्पेशल इस सारी व्हीकल के बारे में और जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वाटर रेस्क्यू के, उनके बारे में आपको सफ़ी और मैडम सानिया बताएंगी। तो इनसे आइए चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या कॉम्पोनेंट्स हैं और क्या चीज़ें। ठीक है जी। सानिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सानिया बताइएगा, अभी हम मौजूद हैं वाटर रेस्क्यू व्हीकल के स्टॉल पर। जो व्हीकल हमें वाटर रेस्क्यू में रिस्पॉन्ड करने के लिए अर्जेंट बेस पर, वो व्हीकल हमें काम आती है। इस व्हीकल में हमारे पास मौजूद जो इक्विपमेंट्स हैं वो जो है ना, लाइफ बॉय हो गया, लाइफ जैकेट्स हो गई, जो भी किसी भी विक्टिम को हम जो है ना थ्रो करते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास स्लज सूट मौजूद होते हैं, वेट सूट मौजूद होते हैं, जो कि हमारे स्लज सूट कंटामिनेटेड वाटर में हमारा रेस्क्यूअर जब मूव करता है तो उसको हम वेयर करवा कर मूव करवाते हैं। उसके अलावा हमारे पास वेट सूट मौजूद होते हैं, जो भी किसी भी समंदर में या किसी भी जो है ना ड्रोनिंग
केस में जाने के लिए हमारे रेस्क्यूअर पहनते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है ना एडवांस इक्विपमेंट्स में सोनार मौजूद है, जो किसी भी जो है ना लाइव विक्टिम को लोकेट करने के लिए अंडर वाटर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। उसके अलावा हमारे पास स्कूबा मौजूद है, स्कूबा जो है ना हमारे रेस्क्यूअर को फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है जब हमारा रेस्क्यूअर अंडर वाटर किसी भी विक्टिम को रेस्क्यू करने के लिए जाता है। और जो है उसके अलावा हमारे पास ट्राइपॉड की टेक्निक मौजूद है, ट्राइपॉड टेक्निक जो है ना अंडर वाटर किसी भी वेल में किसी भी डेप्थ में हमारा विक्टिम चला जाता है तो उसको हम ट्राइपॉड की मदद से रेस्क्यू करते हैं, उसको हम वेल रेस्क्यू टेक्निक कहते हैं। ठीक है जी, अब मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि ये भी एक ये बना लें, फुटेजेस ले लें ताकि ये जो तमाम तर बातें हुई हैं ये तमाम तर चीज़ें आपको दिखाई जाएं। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको डिफ़ाइन करना चाहूँगा थोड़ा सा कराची के हवाले से, क्योंकि कराची में हमारे पास दो तरह की एमरजेंसीज जो हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट होती हैं। एक जिनमें जो गटर के अंदर या किसी भी नालों के अंदर, कराची में तो नाले भी बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली, जैसे आपको लियारी नदी पता है तो उसके बराबर में कच्ची इमारतें बनी हुई हैं, वहाँ पर ड्राउनिंग हो जाती है। दूसरा, आजकल हमारे पास समंदर की ड्राउनिंग भी जो है वो बढ़ गई है। अच्छा। क्योंकि अगले पिछले हफ्ते के दौरान जो है काफ़ी शहादतें जो है वो हमें महसूल हुई थी समंदर के अंदर, जिसमें फैमिलीज़ जो हैं वो गर्म वेदर होने की वजह से जो है पिकनिक के तौर पर जो है वहाँ पर मूव कर रहे थे, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसे लोग थे जो डूब गए थे, हट्स में फंस गए थे क्योंकि समंदर का पानी रफ़ हो गया था। तो लोगों को एक तो इस चीज़ से आगाही भी देना चाहूँगा कि वो इन मौसमों पे जो जून जुलाई का खास तौर पे मौसम होता है इसमें अवॉइड किया करें कि ऐसी जगह पे जहाँ पे रफ़ समंदर हो या सी साइड हो, तो इस तरह से बाकी और डिफरेंट जगहें जो वाटर पार्क्स वगैरह हो गए आप वहाँ जाके इंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, अब मैं हसन की तरफ आऊँगी, हसन से बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। अच्छा हसन, मुझे ये बताइएगा कि अब बारिश जो है, आपको पता है मानसून स्टार्ट हो चुका है, खैर कराची में अभी तक तो कोई खासी अच्छी खासी बारिश नहीं हुई है, किस तरह के इकदाम किए गए हैं आपकी जानिब से? जैसा कि मैडम ये मानसून का आपने जिक्र किया तो सिंध गवर्नमेंट ऑलरेडी इस मसले को टेकअप कर चुकी थी। इस हवाले से CM साहब ने भी एक मीटिंग कंडक्ट की, चीफ सेक्रेटरी ने भी एक मीटिंग कंडक्ट की है, और रेस्क्यू 1122 सिंध की प्रिपरेशन ये हैं कि हम सिर्फ कराची नहीं बल्कि कराची के अलावा जो सूबे सिंध के दीगर अजला हैं उधर भी एक्टिव हैं, ऑपरेशनलाइज हैं, और वहाँ तमाम के तमाम डिस्ट्रिक्ट हमारे जो रेस्क्यू 1122 के फाल हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुसलसल कांटेक्ट में हैं। तो हमने एक मानसून कंटीजेंसी प्लान बना के ना कि सिर्फ DCs को, ACs को, कमिश्नर ऑफिसेज, बल्कि सेक्रेटरी ऑफिस में भी जमा करा दिया है। अब उस प्लान के तहत ऐसा है कि ऑलरेडी मैपिंग हुई हुई है पूरे सूबे की कि अगर मानसून आ जाता है और मानसून के नतीजे में कोई फ्लड जैसी सिचुएशन बनती है तो कौन सी जगहें ऐसी हैं, हॉटस्पॉट हमारे ऐसे हैं जहाँ पे अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा है, वहाँ पे बारिश होते ही हमारी टीम अपने बीमा साजो सामान जो आपने अभी वाटर रेस्क्यू में देखे हैं मोबिलाइज हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, और इन केस ऑफ एनी वाटर इमरजेंसी सिचुएशन वो लोग रेस्क्यू करने के लिए तैयार होते हैं। लास्ट टाइम भी मानसून में एक सीनेरियो हुआ था कि शरा फैसल के पीछे एक गेस्ट वो था हॉस्टल फीमेल्स का, वहाँ पर तकरीबन 55 अबव हमने फीमेल्स को रेस्क्यू किया था क्योंकि वहाँ पर निकलने की कोई जगह नहीं रही। तो हमारे पास हॉटस्पॉट आइडेंटिफाइड हैं, हम मुसलसल कांटेक्ट में हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, हम मुसलसल कांटेक्ट में हैं दीगर और स्टेक होल्डर से, अगर कोई ऐसी नागानी सूरत हाल आती है तो हम बरवक्त तैयार हैं किसी भी ऐसी इमरजेंसी को रिस्पॉन्स करने के लिए। अच्छा कराची के हवाले से अगर आपसे मैं बात करूं कि कराची में जिस तरह से कोई भी सड़क है और खुला नीचे नाला और ऊपर सड़क है कराची को अगर देखा जाए तो इस तरह से, और इसकी वजह से बहुत सारे हादसा होते होंगे, तो कभी कोई इस तरह की रिपोर्ट आपने बना के आगे भेजी कि इन चीज़ों को कवर किया जाए ताकि ये हादसा कम हों, ख़त्म हों? अच्छा ये बात आपने बहुत अच्छी रेस की है। अब मैं आपके मीडिया के तवसुत से एक बात बताना चाहूँ कि कराची की इस इशू पे बारह हम बावर करा चुके हैं सारे इदारों को कि कराची के पास कोई अपना ड्रेनेज प्लान ही नहीं है। आपको शायद याद होगा गुलशन इकबाल में एक बच्चा डूबा था ड्रेनेज के अंदर, वो ऑपरेशन हमारा हफ्तों चला लेकिन वो बच्चा अभी तक स्टिल नहीं मिला, जबकि वो किसी साफ़ी हमारे थे, उनका ही कोई बच्चा था। क्यों? क्योंकि हम जब दीगर स्टेक होल्डर से, दीगर इदारों से बोल रहे हैं कि हमें एक ब्लूप्रिंट दो, एक ड्रेनेज प्लान दो, हम जहाँ से अपना रेस्क्यूअर एंटर कर रहे हैं कहाँ से निकाल रहे हैं हमारे पास पता रहे, पानी का फ्लो कहाँ जा रहा है, कहाँ जाके रुक रहा है, तो ये प्लान पूरे कराची का है ही नहीं। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन ने इस शहर का ये बुरा हाल किया हुआ है कि बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं लेकिन ड्रेनेज प्लान का नहीं पता। जो हुकूमत आती है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट आ रही है या कोई और UC लेवल पे, वो अपना नाला खींच देते हैं। अब प्लान के अंदर ये चीज़ वाजे नहीं हो रही होती कि ये जो पानी जो इसका फ़्लो इधर से इनपुट है उसका आउटपुट किस तरफ से हो रहा है। 12 हम ये बता चुके हैं कि ये जो मेन होल हैं इनको कवर करें। अभी 3 दिन पहले का वाकया, शायद 2 दिन पहले का, आपने देखा होगा नॉर्थ नाज़माबाद शिप ऑनर में भी एक बच्चा डूबा, उसको भी हमारी टीम ने रिस्पॉन्ड किया। तो आप यकीन करें वो
भाटी पहाड़ी से डूबा है और हमारी टीम को मिला गुज्जर नाला लियाकतबाद में, ये अलमिया है क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं है, कोई ड्रेनेज नहीं बने हुए, सारे चैनल्स ओपन है, नालों की सफाई के लिए सारे चैनल एक्सपोज कर देते लेकिन वापस बंद नहीं किए जाते, अल्टीमेटली फिर उसमें ये हादसा रोनुमा। आप कोरंगी की तरफ अगर गए होंगे तो एक सड़क है जिसके पीछे से नीचे से एक नदी जा रही है जो कि बारिश होते ही वो नदी ऊपर आ जाती है और बाइक वाले आपको पता है कि बाइक वालों को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है तो उसमें बहुत सारे हादसा होते हैं और उस नदी के पानी में क्योंकि पीछे इंडस्ट्रियल है पूरा तो वो केमिकल भी मिले हुए हैं और उस केमिकल के मिले हुए पानी में कितने लोग डूबे भी हैं, जब भी बारिश आती है तब ये वाले हादसात बहुत ज़्यादा होते हैं, उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। वो मैडम बिल्कुल आपने सही बात की कि जितने भी काटी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, लांडी इंडस्ट्रियल एरिया में जितनी इंडस्ट्रीज हैं सबका जो वेस्ट वाटर वाटर है वो पूरा डंप हो रहा है इस चैनल के अंदर, ठीक है। अब आप अगर वो कॉजवे वाले आप रोड की बात कर रही हैं तो अमूमन ऐसा होता है कि अर्बन फ्लडिंग के नतीजे में वो लेवल जो है ना हमारा पूरा सेम हो जाता है, गुजरने वालों को ये पता नहीं लगता है कि वो आया रास्ते से गुजर रहे हैं या वो पानी की फ्लो के अंदर हैं। और पिछली बारिशों में भी यही हुआ था कि बाइक्स नहीं, हमने गाड़ी को भी डूबते हुए देखा, उस वक्त तक रेस्क्यू 1122 फाल नहीं थी, हम उसमें कुछ कर नहीं सके, बट अभी हमारे हॉटस्पॉट एरिया में वो एरिया बिल्कुल आइडेंटिफाई है, अगर इस तरह की कोई मानसून की सिचुएशन बनती है तो हम इमीडिएटली वहाँ पर अपनी टीम मूव करा देते हैं पहले से, आया कि ऐसी सिचुएशन हो हम इसका वेट नहीं करते कि अल्लाह ना करे अगर फ्लडिंग हो तो पहले तो हम लोगों को रोकें कि उस रास्ते से ना जाए, फिर भी अगर किसी मजबूरी के तहत वो गुजरना चाह रहे हैं और फ्लड के नतीजे में आ गए तो फिर हमारी टीम वहाँ रिस्पॉन्ड करने के लिए रेडी होती है। अच्छा, हमारे मुल्क में या मैं अपने कराची शहर की सिर्फ अगर बात करूं कि इदारे भी बन जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं जो उस वक्त के उस दौर या उस टाइम के हवाले से जो मुश्किलात आ रही होती हैं, जैसे अब बारिश का मौसम है तो फिर वो अलग एक सूरत हाल होगी, इस तरह की जो सूरत हाल होती है वो सारी हम हर साल देखते हैं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वही इदारे हुकूमत को बताएं कि ये मुश्किलात हैं ताकि अगले साल इसमें कमी आए, इस पर काम हो, अगले साल उससे ज़्यादा कमी आए और उसके बाद बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, इस तरह की चीज़ें क्या आइंदा आने वाले टाइमों में देखी जाएंगी या आप लोगों ने कुछ ऐसा प्लान किया कि इस पर भी काम होना चाहिए, ना कि हर टाइम हम कभी कहीं आग लग रही है तो वहाँ जा रहे हैं, कहीं नालों में बच्चे डूब रहे हैं तो वहाँ जा रहे हैं, कहीं इस तरह का कोई एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ जा रहे हैं, किस तरह से इन चीज़ों को कम किया जा सकता है? बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको अब एक बात बताऊं कि अगर आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध की बात करती हैं तो ये उनकी एक प्रोएक्टिव अप्रोच ही है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो ये रेस्क्यू 1122 का इदारा यहाँ सूबे सिंध में लॉन्च किया है। अब जो भी कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल इस इदारे की या इसकी सर्विसेज की वो हम नो डाउट इस शहर में इस सूबे में दे ही रहे हैं, तो ये भी हुकूमत का ही एक बेहतर इकदाम था, एक ऐसा इकदाम था कि ये सर्विस एटलीस्ट ये सर्विस अब जाके इस सूबे में लेकर आए। और रही बात ये कि वो और इस चीज़ को मज़ीद एनहांस कर सकते हैं, वो इस तरह से कि आफत का वेट ना किया जाए बल्कि वो डिपार्टमेंट या वो इदारे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको पाबंद करें कि आप इन चीज़ों से पहले ही बचाएं तो ताकि रेस्क्यू की कोई सिचुएशन ही ना पेश आए ना, लेकिन उसके लिए स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और दीगर इदारे हैं, बिल्डिंग की बात की जाए हाई राइज बिल्डिंग्स की तो हमारे पास कंट्रोल अथॉरिटीज़ हैं, सिविल डिफेंस के इदारे हैं, और अगर आप बात करें अब मानसून के लिए तो लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं जो इस तरह का अपना रोल प्ले कर सकते हैं कि ड्रेनेज चैनल्स को वो पहले से इतना फ्लो वाला कर लें, इतना उसका कचरा हटा के उसको साफ़ कर लें, उसकी सिल्टिंग कर दें कि अगर बारिश की सिचुएशन हो तो वो नाले यूटिलाइज हो, ना कि वो ज़मीन के लेवल के साथ मिलकर मज़ीद तबाही बरपा करें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हसन हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम आज मौजूद थे रेस्क्यू 1122 और आप मुझे आज यहाँ पर देख रहे थे, आज कराची की आवाज़ में मैं यहाँ मौजूद थी और आज आपको हमने दिखाया तमाम तर चीज़ें डिटेल में आपको बताई गई। यकीनन आज का शो जो है वो आपको पसंद आया होगा। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।